अस्सलाम वालेकुम सीम अकरम, होम टाउन एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर है एक मरतबा फिर एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पोर्ट्स सिटी को डिस्कस करना है। स्पोर्ट्स सिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमें कम टाइम में कितना बेनिफिट दे सकती है, अगर किसी और प्रेसेंट में करते हैं तो वो हमें कम टाइम में कितना जो है वो बेनिफिट दे सकती है या कितना हमें प्रॉफिट गेन हो सकता है वहाँ से। तो अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले मेरी गुजारिश अपने उन दोस्तों से जो चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की आने वाली हर नई वीडियो अब तक बगैर किसी ताखिर के पहुंचते रहे। हमारी कोशिश होती है कि बैरियर टाउन कराची के बारे में आपको लम्हा बा लम्हा ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर स्पोर्ट्स सिटी की हम बात करें अभी की, अगर करंट मार्केट की बात करें तो करंट मार्केट में तो तकरीबन इसकी सेल परचेज एवरेज है, बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं हो रही। अगर इसकी 6 माह पहले की बात करें तो स्पोर्ट सिटी ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करके दिया था अपने उन इन्वेस्टरों को जो शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करके अच्छा एक उन्होंने प्रॉफिट गेन किया था। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि स्पोर्ट सिटी को जोगदार जोग एक उसकी हाइप क्रिएट हुई थी और वो अभी भी है, लेकिन अभी यह है कि कुछ उस तरह से मार्केट में बाहर स्पोर्ट सिटी का देखने में नहीं मिलता। उसकी पहले की रीज़न ये थी कि लोग जिन लोगों को स्पोर्ट सिटी की समझ आ चुकी थी कि स्पोर्ट सिटी इन फ्यूचर इनका जो फ्यूचर है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो बेहतर से बेहतर कर देगा। आपको कराची जैसे शहर में एक अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड, जैसे आप किसी और मुल्क में रह रहे हैं ऐसा स्टैंडर्ड प्रोवाइड करेगा, तो डेफिनेटली लोगों ने आके वहाँ पे प्लॉट बाय किए। अगर हम बात करें पिछले साल की, पिछले साल में जो प्लॉट हमें 60-65 लाख रुपये का मिलता था, वो अगर 6 माह पहले की बात करें तो वो 85-90 लाख रुपये तक प्लॉट सेल हुए हैं। अगर एक ये ऐसी मिसाल है कि मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने प्लॉट बाय किया था 33 में, उन्होंने 50 लाख रुपए में बाय किया था और तकरीबन 6 माह के अरसे में वो तकरीबन 1.5 करोड़ तक चला गया था। अब 1 करोड़ के अगर हम देखें तो तकरीबन 1 करोड़ का उन्हें प्रॉफिट गेन हुआ था। उसकी सबसे बड़ी जो रीज़न थी वो ये थी कि 33 की तरफ लोग जोगदार जोग जो है वो जाना शुरू हो गए थे कि एक आपको जिना के ऊपर एक अच्छा प्रेसेंट मिल रहा है जहाँ पर आप अपना जो घर है वो बना सकते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड अपना बेहतर कर सकते हैं, और ये बिल्कुल रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के बिल्कुल साथ था। उसके अलावा अगर हम स्पोर्ट्स सिटी विलास की बात करें तो स्पोर्ट्स सिटी विलास में आज भी हमें फैमिलियां देखने में मिलती हैं जो डे बाय डे बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही। इवन के यहाँ पर अगर हम रेट देखें, रेट नीचे आने की वजह से रेंट में भी काफ़ी हद तक नीचे आ गए थे। रेंट जो हम 10 AM के विलास देख रहे हैं या 11 AM के विलास देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है स्पोर्ट्स सिटी में उस तरह से फैमिलीज मूव किसी और जगह पे नहीं हुई। स्पोर्ट्स सिटी में हमें रेंटल वाले जो लोग हैं वो बहुत कम नज़र आएंगे, ज़्यादातर वही लोग नज़र आएंगे जिनका अपना वहाँ पे विला है। हालांकि वो चाहते तो ये कर सकते थे कि अपना विला रेंट आउट करके किसी करीब तरीन विला में आ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर हम उनसे जाके पूछते हैं तो वो कहते हैं हमारा यहाँ पर लाइफ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि अभी तो उस तरह से वो डेवलप नहीं हुआ, लेकिन ये है कि वो अगर हम उसको अभी देखें तो काफ़ी हद तक जो फैमिलीज मूव हुई हैं वो ये कहती हैं कि हम पुरसकून अपनी लाइफ जो है ना वो यहाँ पे गुजार रहे हैं। इसी तरह हम प्रिसेंट 38 की बात करें जहाँ पे 1-1 करोड़ रुपये के प्लॉट मिलते थे, वो तकरीबन 1.5 करोड़ से वापस आए हैं। अभी अगर हम बात करें 1 माह पहले की या 2 माह पहले की जो रेट नीचे आए हैं उसकी वजह से तकरीबन 25-30 लाख रुपया जो प्राइस कम हुई है उसका एक वाजह तौर पे मार्केट पे अफेक्ट हुआ है। अब इससे वो लोग हैं जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर जो भी है वो जो शॉर्ट टाइम प्रॉफिट गेन करने के चक्कर में अपना प्लॉट बाय करता है, हमेशा वो ये चीज़ देखता है कि मैं कहीं फंस ना जाऊँ लॉन्ग टाइम के लिए, तो वो कोशिश ये करता है कि मुझे किसी और प्लॉट से बेनिफिट हो चुका था तो वो अपने बेनिफिट को इस तरह बैलेंस करके अपनी चीज़ निकाल देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में एक हाइप क्रिएट हो जाती है कि चीज़ इतने में बिकी है तो बाकी चीज़ें भी इतने में ही बिकेंगी, और फिर वो कस्टमर को मुख्तलिफ कस्टमर को बताया जाता है कि ये चीज़ इतने में बिकी है, अभी ये चीज़ इतने में आ रही है, अगर आपको चाहिए तो हमें बताएं, हम आपको ये इतने में लेके देंगे। तो जिसकी वजह से क्लाइंट जो है वो थोड़ा पैनिक भी हो जाता है, जो सेल करने के इरादे से होता है वो कुछ तो होल्ड कर लेते हैं जो बड़ी अच्छी ऑप्शन है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सेल आउट कर देते हैं किसी डर की वजह से। ऐसा कुछ भी नहीं है, बैरियर की मार्केट में अप एंड डाउन आते रहते हैं और आगे भी आएंगे, इसमें नो डाउट, क्योंकि ये एक बैरियर की मार्केट ऐसी है जिसका गवर्नमेंट के साथ बराह रास्त जो है वो एक ताल्लुक होता है, जिसकी वजह से अफेक्ट काफ़ी हद तक लोग हुए हैं। तो अब जो लोग यहाँ पे शॉर्ट टाइम प्रॉफिट गेन करने के लिए आए थे उनको तो काफ़ी हद तक जो है वो उन्होंने अपना लॉस किया या जो भी जल्दी में अपने प्लॉट निकाल ले और यहाँ से मूव हो गए किसी और सोसाइटी के लिए, लेकिन जो एंड यूज़र था वो आज भी स्पोर्ट्स सिटी जाने के लिए जो बिल्कुल रेडी हैं, वो इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि
उसमें पुरस्कून लाइफ और आपका अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहा है। एंड यूज़र अभी भी स्पोर्ट सिटी को प्रेफर करता है किसी और प्रिसन के जाने के बजाय, क्योंकि स्पोर्ट सिटी को अगर हम डेवलपमेंट के अतबार से देखें तो अभी भी इसकी डेवलपमेंट में काफ़ी हद तक जो है ना वो काम होने वाला है, और डेवलपमेंट साथ साथ हो भी रही है, जिसकी वजह से अगर हम पहले वाले प्रिसन देखें तो पहले वाले प्रिसन ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, वहाँ पे फैमिलीज मूव हो चुकी हैं। प्रिसन 10 ने देख लें, 11 ने देख लें, 11 बी देख लें, प्रिसन 1 देख लें, प्रिसन 2 देख लें, मतलब काफ़ी हद तक लोग जो है ना वो वहाँ पे मूव हो चुके हैं। तो ये उनका रेट तो टाइम के हिसाब से बढ़ना, अगर मार्केट डाउन है तो उनका रेट डाउन हो जाना, अगर मार्केट तेज़ है तो ऑटोमेटिकली रेट ऊपर चला जाना। जहाँ पर डेवलपमेंट हो रही होती है, डेवलपमेंट वाली जगह पे ये होता है कि जब डेवलपमेंट कंप्लीट होती है तो उसका एक फैक्टर होता है जो पोजेशन मिलता है तो रेट और होता है, और इसके अलावा टाइम, टाइम के हिसाब से मतलब दो, आपको अगर आप नॉन डेवलप एरिया पे जगह लेते हैं तो आपको दो तरह के बेनिफिट होते हैं, एक टाइम, दूसरा जब वो डेवलपमेंट कंप्लीट बैरी आपको पोजेशन हैंड ओवर करता है, तो ये दोनों चीज़ें जो है ना वो आपको अच्छा एक प्रॉफिट गेन करती है। लेकिन आप जब भी कोई प्लॉट लें तो आप कोशिश कीजिए कि आप खुद जाके ऑन ग्राउंड विजिट कीजिए। अगर आप ओवरसीज हैं तो आपको चाहिए कि आपका कोई भरोसेमंद आदमी जाके आपका प्लॉट विजिट करे और बताए कि आप ये चीज़ ले रहे हैं और ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारी यही कोशिश रहती है कि हम अपने क्लाइंट्स को जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें, क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जो है जिनकी वजह से क्लाइंट काफ़ी हद तक पैनिक है, जो आके हमें ये बताते हैं कि ये हमारे साथ रीज़न हुई थी और ये इशू हुआ था हमारे साथ, और वो बताते हैं लेकिन जाहिर सी बात है वहाँ पर डिसअपॉइंट होते हैं, और वो यही सोचते हैं हम पे भी ट्रस्ट करना, वो थोड़ा सा सोचते हैं कि इन पे ट्रस्ट किया जाए या ना किया जाए। बाज़ात क्लाइंट ये कह देते हैं कि यार ये ट्रस्ट अब तोड़ना बात, जिसकी वजह से जो मार्केट में अच्छा काम कर रहे हैं उन पे भी एक फैक्टर आता है, एक वो भी जो है ना वो पैनिक हो जाते हैं इन लोगों की वजह से। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप अपना प्लॉट जो भी आप बाय कर रहे हैं वो आप ऑन ग्राउंड विज़िट कीजिए, अभी मार्केट डाउन है, अभी बाइंग टाइम है। अगर आप सेल का माइंड बना रहे हैं तो आप बिल्कुल अभी थोड़ा होल्ड कर लें, आपको जो यही प्लॉट अच्छे पैसों में आपका सेल हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि आप प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो अभी मार्केट जो है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से अगर हम देखें पिछले कुछ 6-7 माह पहले थी, अभी उस तरह से मार्केट नहीं है, लेकिन अभी बाइंग का टाइम है। अगर आप अभी बाइंग करते हैं तो जब मार्केट बिल्कुल दोबारा जब मार्केट तेज़ होगी तो आपको वही प्लॉट 25-30 लाख रुपये बेनिफिट दे जाएगा, और ऐसा हुआ है, लोगों ने कमाया भी है, लोगों ने 1-1 करोड़ रुपया कमाया चंद माह में। अगर हम देखें काफ़ी लोग ऐसे हमारे जानने वाले हैं जिन्होंने चंद माह में बहुत अच्छे पैसे यहाँ से अपना प्रॉफिट गेन किया और यहाँ से बैरियर से मूव ऑन भी हुए हैं। ये नहीं कि बैरियों में वो रहे भी हैं, बैरियर से वो मूव किसी और सोसाइटी की तरफ हो गए हैं, क्योंकि इन्वेस्टर का हमेशा इन्वेस्टर जो होता है वो लालची होता है, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होता है, ये एक हकीकत है, इन्वेस्टर जो होता है वो शॉर्ट टर्म जो प्रॉफिट गेन करने के चक्कर में होता है वो लालची होता है, और कभी भी नहीं वो चाहता कि वो जो है ना वो अपने अपना जो पैसा है या अपनी इन्वेस्टमेंट है उसे लॉन्ग टाइम के लिए फंसा ले। वो फौरी उसी सोसाइटी की तरफ चल जाता है जहाँ पे काम हो रहा हो और उसे पता हो कि यहाँ पे मार्केट अभी जो है वो स्टेबल है और यहाँ पे इसकी इन्वेस्टमेंट थोड़े टाइम में उसे अच्छा प्रॉफिट गेन करके देगी। तो अगर आप स्पोर्ट्स सिटी के बारे में इंटरेस्टेड, आप बैरियर डाउन कराची के किसी भी प्रेसेंट के बारे में अगर कोई भी जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर दिया गया मेरा नंबर, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओवरसीज क्लाइंट मुझे व्हाट्सएप, ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।